दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, कहीं आपके साथ भी ये फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए ये रिकॉर्डिंग जरूर सुने। आपने ओलेक्स पे ये एड दे रखा है ना मोबाइल का, सर ये 4000 रूपए। हाँ जी जी जी, सेल हो गया सर है अपने पास अभी? है ना अपने पास अभी? हाँ जी सर, मैं यहीं से लोकली बात कर रहा हूँ, पास फिलहाल मैं ड्यूटी पे हूँ जॉब पे। तो बताइए सर, आपका बेटा जो एकदम न्यू कंडीशन में है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम? हाँ एकदम अच्छा कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा सेट में तो? कोई नहीं, नहीं, नहीं। एकदम बढ़िया चल रहा है ना। हाँ तो बताइए सर कितने में देंगे, लास्ट प्राइस बोल दो फाइनल। मेरा लास्ट प्राइस है ना 4000 ही है, क्योंकि मैंने उसको ज्यादा यूज नहीं किया है और मोबाइल जो है वो एकदम कंडीशन में है। हाँ और सर न्यू कंडीशन में आपने मतलब ये फाइनली डाला है, मतलब 4000 है ना? डाला है, सही बात है। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के लिए लेना, चलो 4000 में डन कर लो आप। ठीक है चलेगा चलेगा। तो कैसे भेज मैं आपको उसको? वो मतलब मैं लड़का भेजूंगा लेने के लिए, तो आप बोल दीजिए मतलब कहाँ पर आना होगा लड़के को। वो नासिक में प्रॉपर यहाँ पे मेरा लोकल इसमें मतलब रस्ते पे ही घर है मेरा नासिक में, पर आप अगर बोलोगे किसी को भी ना पाथड़ी फाटा करके दिया तो वहीं पे कॉर्नर पे ही घर है मेरा। ठीक ठीक ठीक, तो मैं लड़के को भेजता हूँ लेने के लिए। आपका नंबर यही है कॉन्टेक्ट? कॉन्टेक्ट नंबर यही है ना मेरा। हाँ तो मैं लड़के को भेजता हूँ लेने के लिए ना, आपका नंबर दे देता हूँ बच्चे को, और वहाँ पर आके आपको कॉल कर लेगा, पिकअप कर लेना बच्चे के संग, है ना? चलेगा चलेगा चलेगा, आधे घंटे में आ जाएगा। आप राजेश शर्मा के नाम से डन कर दीजिए। चलिए सर, तो फिर मैंने आईड भी निकाल देता हूँ फिर अभी। हाँ निकाल लीजिए, और पेमेंट मैं यहाँ से अभी कर देता हूँ आपका। बच्चे के पास कैश तो हो पाएगा नहीं, अपना फोन पे का नंबर बोल दो, कौन सा फोन पे गूगल पे का? फोन पे पे, फोन पे करो, मेरे पास फोन पे पेटीएम है मेरा। पेटीएम है क्या? हाँ सर पेटीएम, फोन पे नहीं है क्या? फोन पे, फोन पे तो नहीं यूज करता ना मैं अभी, मैं इंस्टॉल कर लूँ क्या फोन? बैंक अकाउंट है अपना? बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट है ना? कौन सी बैंक का है? मेरा वो ICICI का है। ICICI का ना? हाँ तो आप ऐसा करिए सर, 2 मिनट का काम है, 5 मिनट ऐसा करो फोन पे डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके, और उसमें अपना एड अकाउंट कर लीजिए, आप फोन पे बना लीजिए, आप लिंक कर लीजिए, अपडेट कर लो, 5 मिनट में हो जाएगा, है ना? ओके, फिर उसको क्या करना पड़ेगा हमें? अब मेरे को खाली नंबर बोलना पड़ेगा, आप नंबर बोल दो ना सीधा अकाउंट पे जाएगा। फोन गूगल पे पे ऐड अकाउंट कर लेना अपना, वो फोन पे पे, सॉरी फोन गूगल पे पे नहीं करते क्या? नहीं गूगल पे तो मैं यूज नहीं कर रहा था अभी, पहले करता था, अब नहीं कर रहा, फोन पे कर रहा हूँ। आप फोन पे बना लो, उसमें अपना ऐड अकाउंट कर लीजिए, और अकाउंट का डिटेल डालकर UPI पिन सेट करके अपडेट करके तुरंत हो जाएगा। ओके, मेरे भाई का ही शायद, क्या उसके मोबाइल से ये करूँ मैं? क्या क्या? मेरे भाई के, भाई का ही शायद ये फोन पे, तो उसके मोबाइल पे चलेगा क्या? उसके मोबाइल पे मतलब आपका अकाउंट भाई के मोबाइल पे? हाँ हाँ उसके मोबाइल पे है। नहीं मतलब आपका अकाउंट है, भाई का अकाउंट है फोन पे पे? पेटीएम नहीं चलेगा क्या आपको? सर मैं पेटीएम का, मेरा KYC नहीं। आप ऐसा करो ना, अपना खुद का अकाउंट जोड़ लीजिए ना, फोन पे बना लीजिए। मैं आपको बैंक डिटेल दूंगा तो नहीं होगा क्या डायरेक्ट? बैंक डिटेल ठीक है, नहीं ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ फिर आपको, मैं आपको अकाउंट पे कर देता हूँ, मैं आपको कार्ड टू कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, कार्ड भी चलेगा, कार्ड कर देता हूँ, मेरा सैलरी कार्ड है गवर्नमेंट की तरफ से बना ना। सही, तो मैं अपने कार्ड से तुम्हारे कार्ड पे कर देता हूँ, एंड टू एंड हो जाएगा, फोन पर से जाएगा, अकाउंट पे जाएगा सीधा। ठीक है चलेगा चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ उसका ATM कार्ड है आपके पास? क्रेडिट कार्ड है ना? ATM कार्ड है मेरे पास। ATM कार्ड ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी ATM कार्ड है। व्हाट्सएप नंबर यही अपना सर? हाँ व्हाट्सएप नंबर यही है। ठीक है, मैं आपको हेलो आई लिख के भेजा हूँ, ATM कार्ड का एक बैक एक फ्रंट फोटो कर दीजिए आप दोनों तरफ से। ठीक है ओके, और क्या लगेगा? ओके बस, और कुछ नहीं, फोन पर मैसेज रजिस्टर है ना अपना? उसके मोबाइल के साथ में ये नंबर? मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, रजिस्टर नंबर है ना जिस पर मैसेज आएगा? हाँ हाँ रजिस्टर नंबर है ना मेरे पास। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज आएगा आप आप हेलो भेज रहा हूँ मैं, हेलो भेज के फिर मैं आपको उस पर वो ATM का मेरा फोटो भेजता हूँ,
आगे पीछे का एक पैक एक ट्रेंड फोटो कर दीजिए आप दोनों, फिर उसका जो मैसेज आएगा मैं आपको उसको बोलना पड़ेगा ना। हाँ मैसेज आ जाएगा जो बैंक में रजिस्टर है, जैसे पैसा आ जाता है। हाँ हाँ ओके ओके। तो भाई आपको मैं चूतिया लगता हूँ मेरे को बोलो कैसे सर? ऐसे क्यों मतलब लोगों को लुभार के क्या मिलता है आपको? आप कष्ट नहीं कर सकते क्या या काम नहीं कर सकते क्या? अब सर आप उल्टी बात कर रहे हो। उल्टी बात नहीं कर रहा भाई, मैं 24 घंटे इसमें पड़ा रहता हूँ। नहीं यार भाई सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ यार भाई, मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मुझे आप बहुत मास्टर हो, मेरे चाहिए, मैं आपकी मजबूरी बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, आपके पास जैसे फोन पे नहीं है ना, तो मैं कार्ड टू कार्ड के बोल रहा हूँ। सुनो गलत मत समझ, मेरे को मेरी बात सुनो यार। सुनो ना आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एटीएम कार्ड से फ्रॉड होता है, मेरी बात सुन। वो कार्ड टू कार्ड भी होता है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप फोन पे बना लीजिए। आपके पास एटीएम कार्ड हो तो मेरे को मत भेजो आप एटीएम कार्ड, नो प्रॉब्लम। फ्रॉड होता है, ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप फोन पे बनाओ, नहीं तो आप पेटीएम देख लो, नहीं तो मैं किसी से करा। नहीं मेरे को वही बोलो ना आप, तो फिर तो आप फोन पे पे नहीं हो सकता है या इस पर नहीं हो सकता है, तो आपको ये सब कर डाउट में पड़ गए भाई। मैं आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, इसके अच्छे बात कर रहे हो। मैं ये बोल रहा था टोटल कितना कमाते हो, फिर भी कितना कमाते हो? क्या कमा लेते यार? देखो उल्टी बात मत करो यार, गलत भाई सुनो ना, तुम भी गलत मत समझो यार। मेरा भी ऑनलाइन यही काम चलता है, मेरा सिर्फ ट्रैक अलग है, तुम्हारा थोड़ा ट्रैक अलग है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कैसे वो मेरे से बात कर रहा था और कैसे मेरे पास से बैंक की डिटेल सब निकालने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों ओएलएक्स से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके पहले मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ बेची भी है, बहुत सारी चीज़ खरीदी भी है, मगर आदमी जेन्युइन होना चाहिए। उसको आप सामने जाके मिलो और ऐसी सेफ जगह पे मिलो। ओएलएक्स भी बहुत बार ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप अगर उन आदमी को मिलना चाहते हो तो कई सेफ जगह पे, अच्छी जगह पे जाके मिलो जहाँ पे अच्छा खासा क्राउड रहेगा। इसके अलावा आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल्स नहीं देना है, या कोई ओटीपी मांगेगा तो वो ओटीपी नहीं देना है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर आप ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्रॉड साइट्स भी हैं जहाँ पे आप अपना अगर नंबर डालोगे तो वहाँ से आपको ओटीपी डालने के लिए बोलेगा, मगर जो प्रॉपर साइट है, जो ओरिजिनल साइट है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर जो फेक साइट है बहुत सारी, उनमें अगर आप अपना ओटीपी डालोगे और तो वहाँ पे भी आपको बैंक डिटेल हैक होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपको किसी को भी बैंक डिटेल देना नहीं है। इसके अलावा मैंने एक बार ये भी देखा था, मेरा एक दोस्त था, उसने अपना LIC का सब डिटेल उसको भेज दिया था। उसने कॉल ये किया था कि मैं LIC के एजेंट बात कर रहा हूँ या LIC कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो पॉलिसी है उसका ऐसा ऐसा ये हुआ था, तो आपने हमें वो क्लेम डाउन करना है, इसके लिए हमें एक बार वेरीफाई करना है, तो आपका सब वो LIC का सब कोड वगैरह मुझे बताओ। तो उस आदमी ने सब उसको बता दिया, तो उसने वो LIC की उसकी पूरी अमाउंट उसकी गायब कर दी थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आपका बैंक डिटेल या किसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी अनजान आदमी के साथ कभी नहीं शेयर करना है। और मैं बार बार बोलूँगा OLX बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको अगर चीज़ें बेचना होगा या किसी को देना होगा तो, मगर वो सब चीज़ें आप सिक्योरली आप अगर हैंडल करोगे तो डेफिनेटली बहुत आप उससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मगर बैंक डिटेल और ये चीज़ें आपको किसी को नहीं देना है। आपको चाहिए तो आप एक ट्राई करके देख सकते हो, OLX पे आईफोन की कोई भी ऐड डाल के देखो आपको कितने फ्रॉड कॉल आते हैं उसके बाद। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर, आपका कोई फैमिली ग्रुप रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आप शेयर करो, ताकि आपके फैमिली मेम्बर को ये नुकसान ना उठाना पड़े। तो आप अगर उनकी फिक्र करते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो को वहाँ पे आप शेयर करो, तो उनको भी पता चलेगा कि आपको भी उनके बारे में कितनी दिलचस्पी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।